नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका सोनी। स्वागत है आपका टीवी 20 न्यूज में। खबरों की शुरुआत करने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि लॉकडाउन का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें, बिना मास्क लगाए घर से बाहर न निकले। अब रुख करते हैं आज की खबरों की तरफ। जिलाधिकारी नगेंद्र प्रसाद सिंह ने आज जनपद के सभी प्रधानों को उनके कर्तव्य बोध कराते हुए दायित्वों का निर्वहन इस आपदा की घड़ी में पारदर्शी ढंग से करने की अपील की है। साथ ही साथ उन्होंने प्रधानों को हिदायत दी कि मनरेगा के मजदूरों के धन को हड़पने की कोशिश की तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनवाते हैं कि जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा। जनपद के सभी सम्मानित प्रधान गण को मैं अभिवादन करता हूं। प्रधान किसी भी ग्राम पंचायत का एक सम्मानित जनप्रतिनिधि होता है और सरकार की समस्त योजनाओं के क्रियान्वयन की एक महत्वपूर्ण आधारशिला होता है। इस आपदा के क्षण में भी ग्राम आपदा समिति का प्रधान अध्यक्ष होते हैं और मैंने इसीलिए प्रारंभ में ही प्रधान के महत्व को समझते हुए मैंने एक पत्र लेकर सहयोग की अपील की थी और अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए पूरी संवेदनशीलता का परिचय देने का अनुरोध किया था। मुझे खुशी है कि अधिकांश ग्राम प्रधान साथियों ने पूरी तन्मयता और निष्ठा के साथ इस आपदा के क्षण में कंधे से कंधा मिलाकर आम जनता का सहयोग किया। प्रशासन, प्रदेश सरकार और भारत सरकार की भावनाओं के अनुरूप कार्य करने का प्रयास किया। वहीं पर कुछ साथी ऐसे हैं जो इस क्षण में भी गरीब मजदूरों या किसी अन्य कार्यों में या तो अनियमितता में लिप्त हैं या संवेदनशीलता अपेक्षित प्रदर्शित नहीं कर रहे। उन सबसे मेरा आग्रह है कि मजदूर के भुगतान या साफ सफाई, सैनिटाइजेशन, लोगों को लॉकडाउन के लिए जागरूक करना, खाद्यान्न के वितरण का 100% सही ढंग से लोगों तक पहुंचना, ये सेक्रेटरी लेखपाल के सहयोग से आपदा समिति के अध्यक्ष होने के नाते प्रधान का भी दायित्व है। लेकिन जो लोग साथी इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं, दंडनीत के अनुसार स्वाभाविक रूप से लोकहित में उनके विरुद्ध कार्रवाई करना जिलाधिकारी का राजधर्म है। मैं चाहता हूं कि किसी के विरुद्ध कोई ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो। लोग स्वतः स्फूर्त संवेदनशीलता, पारदर्शिता, ईमानदारी का परिचय दें। अपने क्षेत्र के जो भी आर्थिक रूप से विपन्न लोग हैं उनको जो योजनाएं प्रदेश सरकार, भारत सरकार की हैं उससे आच्छादित कराने का प्रयास करें और साथ ही यथासंभव स्थानीय लोगों को प्रेरित करके ग्राम स्तर पर भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं उसको दूर करें, जैसा कि बहुत सारे प्रधान साथी अपने स्तर से प्रयास करके कर भी रहे हैं। मैं यही आग्रह करने के लिए, आप सभी से निवेदन करने के लिए आपके सामने उपस्थित होना चाहता था और जो भी प्रधान साथी हमारी बात को सुन रहे हैं, कृपया इस आपदा के क्षण में जनता के साथ 100% संवेदनशीलता का परिचय दें। शासन प्रशासन की नीतियों के क्रियान्वयन में अपनी भूमिका अदा करें और उनको अगर कोई परेशानी होती है तो वो तत्काल कंट्रोल रूम में या हमारे कैंप कार्यालय में अपनी बात को रखें। एक जिलाधिकारी होने के नाते पूरी ताकत और पूरी ऊर्जा के साथ लोगों की समस्याओं के निराकरण में मैं साथ रहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यही अपेक्षा की है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपेक्षा की है, इसलिए उन सभी की भावनाओं के साथ जोड़ते हुए आपसे इसे निवेदन कर रहा हूं। धन्यवाद।